हिमाचल प्रदेश करुणा मूलक ने क्रमिक अनशन के 200 दिन पूरा होने पर शिमला में मंत्रियों के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। सरकार जल्द करुणा मूलक आश्रितों के हित में फैसला लें, इसके लिए प्रार्थना की गई। संघ के अध्यक्ष अजय कुमार कहते हैं कि हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सद्बुद्धि देने के लिए करुणा मूलक संघ ने हवन पाठ करवाया और हवन विशेष तौर पर जयराम मंत्रिमंडल के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की सद्बुद्धि देने के लिए किया गया। उनका कहना है कि सरकार करुणा मूलक क्लास सी एजेंडे हेतु कैबिनेट में मोहर लगाकर नोटिफिकेशन नहीं करती तो हम इसी तरह क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि लगभग 200 दिनों से ये करुणा मूलक परिवार कालीबाड़ी मंदिर के पास एक वर्षा शालिका में इतनी वर्षा और बर्फबारी में भी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार इनके प्रति उदासीन है। सरकार के झूठे आश्वासनों के कारण ये परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। ये करुणा मूलक परिवार पिछले 200 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज के यज्ञ के बाद शायद जो है भगवान ने पुकार सुने, भगवान ने मंत्री महोदय के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए और प्रदेश सरकार के जो भी समस्त मंत्री मंडल है उनके समस्त मंत्री जो हैं कुछ ना कुछ करुणा मूलक परिवारों के लिए फैसला लें। अगर आज की कैबिनेट में सरकार जो है उचित फैसला लेने में कामयाब नहीं हो पाती है तो आने वाले समय में एक हफ्ते में दो हवन यज्ञ करवाए जाएंगे, जिसमें आज तो सिर्फ अभी जल शक्ति मंत्री महोदय जी की बारी है, लेकिन आने वाले टाइम में इसी हफ्ते के जो सेकेंड हवन होगा उसमें माननीय शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी के लिए जो हवन पाठ करवाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में हर एक मंत्री का जो है बारी बारी जो है एक सद्बुद्धि उनकी जो एक काफी लंबे समय से 4.5 सालों से बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उनको एक ट्रैक पे लाया जा सके और एक जो एक सटीक फैसला है उचित फैसला जो है करुणा मूलक परिवारों के लिए ले सके।